देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के एक दिन बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। टिकैत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में किसान नेता लोगों से लाठी डंडा साथ लेकर आने की अपील करते नजर आ रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए कि राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पेट रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रख यो अपने झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये वीडियो कब का है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राकेश टिकैत बुधवार को मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये वीडियो उनका ही है। उन्होंने कहा कि लाठी कोई हथियार थोड़ी है। राकेश टिकैत का कहना था कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने कहा था कि लाठी लेकर आना, जरा बताइए कि बिना लाठी डंडे के झंडे कहाँ और कैसे लगाए जाते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था, एक कौम को बदनाम करने की साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान लाल किला समेत कई जगहों पर जमकर हिंसा और उपद्रव हुआ। हालात बिगड़ते देख दिल्ली पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस।